वेलकम टू माय न्यू चैनल साइंस मेंटर। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे गुणनखंड करना। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस दो। तो दो को गुणा करेंगे हम एक से, तो दो एक कम दो, तो दो को ऐसा तोड़ो कि तीन आ जाए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस दो प्लस एक, दो एक कम दो और दो एक तीन, एक्स प्लस दो, एक्स स्क्वायर प्लस, पहले x की गुणा हम इससे दो से करेंगे फिर एक से करेंगे, तो दो एक्स प्लस एक एक्स प्लस दो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन है इसमें। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, x कॉमन है, सॉरी x कॉमन है, यहाँ पर x प्लस दो, क्योंकि जब हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर दो बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस एक x प्लस दो, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, x प्लस दो, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में एक ही चीज ना, यहाँ पर एक ब्रैकेट कॉमन हो गया, और यहाँ पे ये कॉमन है x प्लस वन। ये आ गया आंसर। हम सेम उसी का तरह का दूसरा सवाल लेकर आए हैं, एकदम सेम उसी तरह का, जो देखते हैं यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस तीन। अब हम तीन को गुणा करेंगे एक से, तो देखिए तीन एक कम तीन, तीन एक तीन गुणे एक, तीन एकम तीन, तीन एक चार, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस एक, एक्स प्लस तीन, तीन एकम तीन, तीन एक चार, एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स से गुणा हम तीनों करेंगे फिर एक से करेंगे, तीन एक्स प्लस एक एक्स प्लस तीन। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, ये इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर बचा एक एक्स प्लस x कॉमन है तो यहाँ पर बचा तीन, यहाँ पर एक कॉमन है वो भी प्लस का, यहाँ पर बचा x प्लस तीन। अब इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, x प्लस तीन इसमें भी कॉमन है, x प्लस तीन इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ पे पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x प्लस तीन, एक ब्रैकेट में x प्लस एक, x प्लस एक, ये हो गया आंसर। जब हम दो जोड़ेंगे तभी चार आ जाएगा, चार आ गया, तो देखिए कैसे क्या आता है यहाँ पे, टू एक्स स्क्वायर प्लस दो प्लस दो एक्स प्लस दो। यहाँ पर देखिए दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा हम दो से करेंगे फिर से करेंगे, दो एक्स प्लस दो। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर दो एक्स स्क्वायर, दो एक्स है, तो यहाँ पर लेंगे हम दो एक्स, दो एक्स, दो एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ब्रैकेट हो जाए एक्स प्लस एक। अब यहाँ पर हम लेंगे दो एक्स कॉमन, सॉरी यहाँ पर हम दो कॉमन लेंगे वो प्लस का, एक्स प्लस एक। अब इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, यहाँ पर इस ब्रैकेट में भी एक्स प्लस एक है, इस ब्रैकेट में भी एक्स प्लस एक है, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस एट। अब यहाँ पर होगा टू एक्स प्लस दो, ये आ गया आपका, ये आ गया आंसर। साइंस मेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।